वो क्या है? अरे उधर क्यों ना कैमरा क्या है? और वापस चलो, वापस चलो, चलो 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 बाहर, वापस आ रही। हेलो गाइस, मैं हूँ राहुल और ये अपना अजीत भाई है। तो गाइस, पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को नए हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और गाइस, आज हम ना इतनी डेंजर लोकेशन पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, यानी कि वहाँ पे जाना तो आप तो कभी सोच रहे हैं मैं तो वहाँ पे जाओगे, इतना डरावना है कि वो एक वीरान हवेली है। तो वहाँ पे इतनी रिक्स लेके हम जा रहे हैं गाइस, आपके लिए तो जाते हैं हम रात को। गाइस, आप हमें, अब हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सपोर्ट करें। तो अपने भाई अजीत बताएगा आगे की स्टोरी। हेलो गाइस, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपका दिल कमज़ोर है तो हमारे वीडियो को बिल्कुल मत देखना, क्योंकि आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसी लोकेशन पर जा रहे हैं जो एक वीरान हवेली है। उस हवेली में एक डेथ हो चुकी है, एक के बाद एक तीन डेथ हो चुकी है उस हवेली में, एक महिला की और उसकी बेटे की हुई थी और उसके हस्बैंड की। तो गाइस, वो जो हवेली है, लोग उसके बारे में बताते हैं कि वो बहुत ही ख़तरनाक है, उसमें रात को अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, लोग उसके आसपास से नहीं गुजरते हैं रात के टाइम पे, और उसमें कुछ ऐसी अजीब अजीब सी हरकतें होती हैं, जैसे कुछ दिखता है उसमें अजीब सा, या कुछ ऐसी रात को ऐसा टाइम जब सब सो रहे होते हैं, गाँव एकदम सुनसान होता है, उस टाइम पर ऐसी अजीब सी आवाज़ें जो लोगों को भ्रमित करती हैं, वो पता नहीं किस चीज़ के हैं, लेकिन हम आज वहाँ जाकर देखना चाहते हैं ये क्या है क्या नहीं है। तो गाइज, अगर आप वहाँ जाने की सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि जो लोकेशन है वो बहुत ही ख़तरनाक है, और उस लोकेशन पे लोग बताते हैं कि रात के टाइम पे उसके सामने से भी नहीं गुजरते हैं लोग। और गाइज, उसमें जिस महिला की डेथ हुई वहाँ पर आसपास के लोगों को वो दिखाई देती है, लोग ऐसे बोलते हैं कि उसमें बच्चों के रोने की आवाज़ें आती हैं रात में, जो बच्चे थे उस महिला के, और उसमें कुछ ऐसी हरकतें हुई हैं जिसके बाद लोग वहाँ से ऐसा डर सा बन गया है कि उसके आसपास भी जाने में दिन के समय भी उनको डर लगता है। लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर रात को जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, लेकिन हम रिस्क लेके जा रहे हैं। तो गाइज, ऐसा है कि हम रिस्क जहाँ पर होते हैं ना अपने दम पे जाते हैं, क्योंकि रिस्क क्या करें, अब लेनी तो पड़ेगी। हम जा रहे हैं हवेली की तरफ और अब देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं होता है। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में, चलते हैं, आ जाओ। तो गाइज, मैं आपको वहाँ से चलने से पहले आपको मैं गूगल टाइम दिखा देता हूँ। देखो 11:47 हो चुके हैं गाइज, हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते का आधा घंटा लग जाएगा। तो गाइज, हम वहाँ पे चलते हैं। गाइज, आपको हमने बताया था वो जो वीरान हवेली, तो हम इस वीरान हवेली में पहुंच चुके हैं। तो गाइज, हम अंदर की तरफ चलते हैं, हमें क्या मिलता है यहाँ पे, तो आगे चलते हैं, चलो। तो गाइज, ये एंट्री पॉइंट है वीरान हवेली का, ये काफी पुरानी है, बहुत ज्यादा पुराना है, समथिंग यानी कि ये हवेली बहुत प्राचीन है। और ये यहाँ पर हमने आपको बताया था
वो मिलते हैं क्या यहाँ पे, देखते हैं अंदर की तरफ चल के। हाँ, और ये बहुत ही वीरान हो चुकी है। चलो यार इधर देखते हैं, देखिए यार ये इनकी बनावट देखो कितनी अच्छी है वैसे तो। यार ये क्या है यहाँ पे? अरे यार ऐसा लग रहा है जो चूहे है ना, चमगादड़। ये क्या है इतना, क्या यार पर बदबू आ रही है यार। चमगादड़ की बीट है, इधर भी कुछ है, इधर दिखाना इधर क्या है। अरे यार इतनी डरावनी लोकेशन है गाइज, यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता, इतनी मुश्किल है यहाँ पर रहना भी बहुत मुश्किल है। क्या है यार चमगादड़ जो सुनसान हवेलियाँ होती हैं इनमें चमगादड़ रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। और तो ये गाइज ये गुफा है, लोग बताते हैं कि ये काफ़ी सालों से बंद है, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। और आपको मैंने बताया था उस फैमिली के बारे में, इधर चलते हैं तो। इधर भी है सामने कुछ, इधर देखते हैं। और ये क्या था, और ये क्या था, इधर लाना पता नहीं क्या गाइस, इसमें देखते हैं यहाँ पे कुछ था। आगे चलते हैं देखते हैं क्या है। ओए क्या था, क्या है गाइस यहां पे देख सकते हो क्या, बार-बार कैमरा कर। ये बिल्ली है, बिल्ली है, बिल्ली है। आगे चलते हैं गाइस, इधर देखो। ओए इधर भी एक एक बिल्ली है, बिल्ली है यहां भी। मैंने इसको परेशान मत करो, चलो चलो वापस इधर, वापस चलो इधर भी, इधर दिखा दो चमगादड़ों, चमगादड़ों के देखो कितने वो, यानी इतनी यहाँ पर कितनी गंद आ रही है। यहाँ पे पुराने कपड़े हैं, यहाँ पे ये उस टाइम के पुराने कपड़े हैं, आपको मैंने बताया था उस फैमिली के बारे में। देखो उधर चलते हैं, ये एक हवेली जो बहुत डेंजर हवेली मानी जाती है, 70-80 साल से बंद है ये। अपन देखते हैं कि के बारे में लोग नई नई कहानियां जोड़ते हैं, बताते हैं। ये क्या है रे, क्या ये, चलो ऊपर से ऊपर जला हुआ, अभी जला हुआ है ना। हाँ थोड़ा थोड़ा। ये क्या है, ये क्या है, ऐसा क्या बना हुआ, ये क्या है यार? चमगादड़ की बीट है शायद, चमगादड़ का वो शायद। हाँ, चलो चलो ऊपर की तरफ चलते हैं। और यार ये दिखाओ यार, देख ये कैसी है, देख इसकी कितना डरावना है यार ये तो, ये इतना जलाओ ऐसा लगता है जिसमें आग लगाई हो, आग लगाई हो ना इसमें, ऐसा लग रहा है ना। अरे यार क्या यार, ये क्या हो गया, ऊपर की तरफ चलते तो गाइस अपन ऊपर की ओर चलते हैं। अजीत मिर्स देखो यार कितनी गंदगी भरी है यहाँ पे, ऊपर चढ़ने का मन नहीं कर रहा मेरा। देखो कितनी गंदगी है यहाँ पे, देखो ऊपर जाने का मन नहीं कर रहा मेरा। रिस्क है यार वो भी, यानी कि आप अपन ने बताया था ना, आराम से चलना देख के यार। अरे वो आज किसकी आ रही है, नीचे से आवाज आई भी। चलो फिर चलते हैं देखते हैं। गाइस देखो कितनी ड्रावन, यानी कितनी ड्रावनी हवेली है, इतनी वीरान मानी जाती है बहुत ज्यादा ये। चलते अपन देखते हैं, गाइस वो कितनी ड्रावनी है यार, कितना सुनसान है यहाँ पे। ऊपर की तरफ को ना, उधर चलते हैं। और ये कपड़े किसके पड़े हैं,
गाइस ये कपड़े किसके हो सकते हैं? हाथ लगा लूँ क्या इनके में? ये क्या है रे? मिट्टी के बर्तन है, छोटे छोटे कपड़े किसके हैं? किधर? तो आगे चलते हैं, देखते हैं। इधर से आवाज आ रही थी भी, क्या था यहाँ पे? ये क्या बना हुआ है रे? मंदिर मंदिर होता है उसका, उस टाइम में मधुमक्खियों का छत्ता। देखो गाइस इसकी डिजाइन देखो, यहाँ पे देखो ये क्या है? रस्सियाँ, चार पहियों की होती है ना। इधर काफी कचरा है, कुछ नहीं है यहाँ पे ऐसा। तो लोग बताते हैं यहाँ ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। आगे की तरफ उधर चलो, तरफ आते हैं। इस तरफ चलते हैं। देखो गाइस इधर देखो, यहाँ पे पेड़ उगे छोटे छोटे, कितना कचरा हो रहा है यहाँ पे। ऊपर देख सकते हैं, ऊपर भी एक और एक फ्लोर हो रहा है इसके ऊपर। तो क्या इधर देखते हैं, काफी बड़ी है और इसमें सालों से कोई नहीं आता। और ये धीरे धीरे मतलब कि नैस नैस हो रही है। यार तो ये देखो ये इस कैसे बनी हुई है ना, छोटे छोटे पत्थरों से बनी हुई है। तो गाइस नीचे से कुत्तों की आवाज आ रही है भौंकने की। इधर देखो, इधर देखो कितना कचरा पड़ा है यहाँ पे। फिर दिखा दे वापस उधर की नीचे की तरफ। चलते उधर चलते हैं, हाँ इधर चलते हैं। इधर क्या है, जाना सेफ है। चलते हैं देखते हैं। चलो यार इधर मत जा, देखिए कांटे हैं यहाँ पे। इधर इधर आ, इधर की इधर की ये कैसा है, ये रास्ता कैसा है? नीचे जा रहा है, इधर से रास्ता है। नहीं नहीं इधर से नहीं है, इधर से नीचे जाने का रास्ता है। आराम से आना, कभी डह ना जाए। वो आराम से आना, कभी डह जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार, अपने को परेशानी हो जाएगी। तो इधर चलते हैं गाइस। यार ये भी बहुत पुरानी है जी। वो लोग शायद यहाँ पे मेरे मोमबत्ती जलाया करते थे, जाए थे आग हो गया, मोमबत्ती ब्लैक ब्लैक हो रहा है। ये क्या है? जो कुछ क्या क्या होता है वो, क्या नाम उसका? चलो छोड़ो, अपने क्या पता, मक्खी टाइप है, मक्खी टाइप में शायद वो उसका होगा। चलो आगे चलते हैं, इधर आ दो, आराम से आना। झाड़ियां उग रही हैं छोटी छोटी। ये क्या है और ये क्या है, और ये क्या है? बर्तन दिखाई दे, टूटे यार ये, इसमें इतने टूटे बर्तन क्यों है? बहुत ज्यादा है यार यहाँ पे। डिजाइन तो काफी शानदार है यार इसकी। आराम से आना, इधर दिखाओ, इधर देखते हैं क्या है। यार इसकी बनावट तो इतनी अच्छी है यार, बहुत ज्यादा। और ये कुंदे क्यों लगाए, ये है ना क्या बना हुआ, ये क्यों लगाए गए यहाँ पे? इतनी डेंजर है बहुत ज्यादा यार ये। तो गाइस यहाँ पे ना हम 10-12 रूम देख चुके हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पर जो गुफा है ना, बहुत रस्ते भी ऐसे डरावने डरावने रस्ते है, और भूल भुलैया टाइप में ये हवेली। और ये देखो कितना जला हुआ है यहाँ पे, देखो इतना जला हुआ, क्या करते थे पहले यार यहाँ पे, कितना जला हुआ है यहाँ पे देखो। ये बहुत ही रहस्यमय गुफा है और हवेली है यार। इधर है ना
छोटे छोटे रूम है ना ये देखो, तो और ये देखो ये रूम देखो कितना छोटा है, शायद उस टाइम का ये मेरे हिसाब से बाथरूम था, यानी लैद बाथरूम। अरे होते थे यार, क्या पता ये छोटे छोटे इनका क्या मतलब ये होते हैं। चलो आगे चलते हैं, तो इधर आओ। अरे क्या क्या था रे, क्या था, क्या था रे, कौन है? अरे आवाज आई अंदर से, चलो चलो आवाज आ रही। अरे मैं तो ऊपर नहीं जाऊंगा यार, मैं नहीं जाऊंगा ऊपर यार। नहीं राहुल भाई नहीं, देखते हैं कोई नहीं। नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा, नहीं देखते हैं कोई नहीं। तो यार अभी तो रिस्क तो लेनी पड़ेगी अब आए हैं तो। नहीं मैं नहीं जाऊंगा यार, कोई नहीं अब मैं चलो चलो आगे तू चल। कोई नहीं तो गाइस ये तभी यार क्या था वो तीसरी मंजिल है जिस पर हम जा रहे हैं, यहाँ जाना बिल्कुल सेफ नहीं होगा क्योंकि अभी कुछ ऐसी आवाज़ आई थी जिसके बाद यहाँ से यार पता नहीं। आप देखो मेरा दिल, मेरे दिल की हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ रही है यार, आगे जाने का मन नहीं कर रहा। फिर वो क्या है, अरे उधर के ना कैमरा गया है, और वापस चलो वापस चलो नीचे 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 जी, निकलो निकलो जल्दी निकलो जल्दी। तो गाइज हम लोकेशन से काफ़ी दूर आ चुके हैं और हम उस लोकेशन पे गए थे, वहाँ पर हमको कुछ ऐसा दिखा जिसके बाद हम वहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुके। और गाइज वहाँ पे हमको अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, वहाँ पर चमगादड़ की इतनी बीट पड़ी हुई थी कि वहाँ पर बदबू इतनी ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा। वो पता नहीं उसमें आसपास में लोग रहते कैसे हैं, उसके थोड़ा वो दूर तक पूरे गांव में बदबू होती है उसकी। हाँ। और रात के टाइम उसमें गंद सीख भी आती है, अजीब सी स्मेल आ रही थी, बहुत ज्यादा यार, अजीब सी स्मेल भी आती है वहाँ पे। और एक वहाँ पे आवाज भी आई थी यार, पता नहीं किसकी आवाज थी वो। हाँ कुछ आवाज आ रही थी वहाँ पर, एक आवाज भी आई थी, पता नहीं क्या था क्या नहीं था, लेकिन आवाज आ रही थी बार बार। और हम जब सेकंड फ्लोर से ऊपर वाले थर्ड फ्लोर पे गए थे, फ्लोर पे जा रहे थे, तो उस टाइम पे हमको कुछ ऐसा दिखा कि हम वहां से हमें भागना पड़ा, हमें वापस आना पड़ा। और वापस आने के बाद हम सीधा अपने बहुत दूर आ चुके हैं, मतलब कि लोकेशन से बहुत ही दूर आ गए हैं। और मतलब यह है कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो गाइज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हमें यार गाइस ज़्यादा सपोर्ट करें यार। आपका वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और मिलते कोई न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, क्योंकि हम जा रहे हैं इतनी रिस्क लेके, कोई शायद कोई बंदा होगा जो रात के 12 बजे जाके इतनी रिस्क ले रहा है। तो गाइस हमारी इस रिस्क के लिए एक लाइक तो बनता है, और शेयर ज़रूर करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।